नमस्कार दोस्तों, मैं रेनी शर्मा आप लोगों से जुड़े रहते फिट टाइम्स। आज हम आए लोगों से बचाने के लिए संतुलन कानून का रिसर्च। बातचीत करते हैं सिद्धाबाद से। नमस्कार, क्या नाम आपका? ममता। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? MBA। MBA। आप किसको किस संत को मानते हो? संतुलन कानून। क्यों आप एक इतने क्वालिफाई होने के बाद भी उनको मानते हो? उन्होंने बहुत सारे भलाई के काम किए। कौन कौन से भलाई के काम किए? जैसे ब्लड डोनेट करना और विधवाओं की शादी करवाना, और जैसे घर बना के देना लोगों को, अपंगों को, और मतलब जो फैसिलिटी है वो प्रिपेयर करना। लाखों की संख्या में वहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है, क्या किया जाता है उसके बारे में? वो उनको वहाँ पे दिया जाता है, सरहद पे दिया जाता है, और जिसको ज़रूरतमंद हो, जैसे हमको ज़रूरत है तो हम भी ले सकते हैं। गरीबों के लिए क्या कुछ किया? गरीबों के लिए घर बना के दिए हैं, लड़कियों की शादी की है, उनको राशन दिया जाता है, और बहुत से काम किए जाते हैं। बीने गर्ल, आप वहाँ पे कहते हैं कि गर्ल सेफ्टी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि अगर वहाँ पे सेफ्टी ना होती तो पिताजी फिर ये जो वेश्यावृत्ति की लड़कियों को क्यों निकालते वहाँ से, क्यों उनकी शादियाँ करवाते? आज बहुत सी लड़कियाँ हैं जो अपने घरों में बहुत खुश हैं, और इनकी वजह सिर्फ पिताजी ही। क्या समाज को उनकी ज़रूरत है? जी, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो समाज में आज ये कुरीतियाँ फैल रही हैं उनको मिटाने के लिए हमको पिताजी चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे आपसे? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि पिताजी निर्दोष हैं और उनको वापस भेजा जाए हम सबके बीच। जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या कहते हैं कि संत कर्मी कानून से ऐसे हमारे साथ जुड़े जाते फैक्ट्राई से।